नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मफलर मैन, अरवन नक्सली, आम आदमी और जाने कितने ही नाम इस शख्स को, उसके समर्थकों और विरोधियों ने कई बार दिए। आज से 8 साल पहले बनी पार्टी ने दिल्ली के लगातार 3 विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी होकर के सामने अपने चेहरे को प्रस्तुत किया। लोकसभा चुनावों में उसने करारी हार भी झेली, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थकों का पद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और लगातार अटल विश्वास के साथ, अटल लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ते गए। और 11 फरवरी 2020 को दिल्ली चुनाव के परिणामों में केजरीवाल की पार्टी आपने एक बार फिर से 70 में से 62 सीटों पर विजय हासिल करके सरकार को बनाना तय किया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय राजनेता और लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिनका जन्म हरियाणा के एक गांव में हुआ और बचपन से एक उज्ज्वल छात्र के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले केजरीवाल ने पहले ही प्रयास में IIT की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए पश्चिम बंगाल के IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चुना, अपनी डिग्री पूरी की और नौकरी मिली टाटा स्टील में। लेकिन जल्दी ही दिल की मानते हुए उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू कर दिया और उसके लिए उन्होंने टाटा स्टील की नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 2 महीने तक मदर टेरेसा के साथ कालीघाट आश्रम में जा करके समाज सेवा की, लोगों को समझा, लोगों की समस्याओं को समझा, गरीबों के प्रति दया भावना उनके मन में घर की और इस तरह से उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करते रहना उचित समझा। बात थी 1993 की, सिविल सर्विस परीक्षा पास की और भारतीय राजस्व सेवा में शामिल हो गए। 1995 में उन्होंने अपनी 1993 की IRS बैच की सुनीता से शादी की। जी हाँ, इसी IAS की परीक्षा के बाद ट्रेनिंग के दौरान उनकी नज़रें सुनीता से मिली और पहली ही नज़र में प्यार हो गया। घर वालों को बताया और घर वालों ने हाँ कर दी और इसके बाद 1995 में उनकी शादी सुनीता से हो गई। उनका सामाजिक जीवन दुनिया के सामने तब उभरा जब उन्होंने 1999 में नकली राशन कार्ड घोटाले को उजागर करने के लिए परिवर्तन नाम के एक आंदोलन की स्थापना की, जो आयकर, बिजली और खाद्य राशन से जुड़े मामलों में दिल्ली के नागरिकों की सहायता करता था। सामाजिक कारणों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्होंने अपनी इस महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 2006 में पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था की स्थापना कर दी। केजरीवाल की लोकप्रियता 2010 में बढ़ गई जब उन्होंने 2010 के शुरू में जन लोकपाल बिल को पारित करने के लिए प्रचार करते हुए प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ खुद को जोड़ा। अन्ना हजारे के साथ उनके मतभेद लोकप्रिय हुए और भारत के खिलाफ भ्रष्टाचार आंदोलन का राजनीतिकरण करना है या नहीं, इस बात को लेकर दोनों में काफी मतभेद हुआ। आम आदमी पार्टी नाम से उन्होंने अपनी खुद की राजनैतिक पार्टी की स्थापना की और 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कूद पड़े। उनके पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीती। अंकों के मुकाबले में तो वो दिल्ली में बीजेपी से पीछे थे, लेकिन कांग्रेस के साथ, सशर्त समर्थन के साथ उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और 49 दिनों की एक छोटी अवधि की सरकार के बाद जन लोकपाल की विफलता का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, वैसे ही आम आदमी के कार्यकर्ताओं, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जश्न का माहौल बन गया।
ये पहली दफा था जब आजादी के 70 सालों के इतिहास में किसी सरकार के इस्तीफा देने के बाद, किसी सरकार के गिरने के बाद होली और दिवाली कार्यालय में साथ साथ मनाया जा रहा था। दिल्ली में वर्तमान में प्रचलित शासन के साथ उन्होंने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के खिलाफ वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव हार गए। उनकी पार्टी ने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और 70 सीटों में से ऐतिहासिक 67 सीटों पर जीत हासिल की। उन्होंने दिल्ली केजरीवाल की लोकप्रियता 2000 में बढ़ी हुई थी और इस तरह से एक पूर्णकालिक सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आए और 2015 में विभिन्न प्रकार के दुष्प्रचारों के बावजूद उन्होंने 70 में से 62 सीटें अर्जित की हैं और एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर शामिल हो रहे हैं। खबरदार हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।